वेलकम स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। टुडे वी विल स्टार्ट रीड एंड रिकॉल न्यू वर्ड्स विद द एक्सरसाइज। फर्स्टली वी विल कंप्लीट रीड एंड रिकॉल। हमने क्या इस चैप्टर में पढ़ा है वो हम कंप्लीट रिकॉल करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेशन मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल टू द बॉडी सेल्स फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन का वर्क क्या है? ऑक्सीजन की हेल्प से बॉडी सेल्स में रिलीज करती है एनर्जी को। सेकेंड पॉइंट इज रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। दो पार्ट में हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल जो होता है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिसे हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, एंड इंटरनल रेस्पिरेशन में होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। कंप्लीट हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं डिटेल में। वी ब्रीथ इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। हम कौन सी एयर है जो ब्रीथ इन करते हैं? दैट इज एयर रिच इन ऑक्सीजन। एंड ब्रीथ आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर रिच होती है, दैट इज हम ब्रीथ आउट करते हैं। ब्रीथिंग रेट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी बींग डन। जो भी ह्यूमन बींग है, जो भी एक्टिविटी वो करता है, उस पर डिपेंड करता है कि ब्रीथिंग रेट किस अकॉर्डिंग होगा। अगर हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी हैवी वर्क कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं कहीं भी या भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वहां पर हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने कंप्लीट पढ़ा है जिसमें कुछ ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं, पूरा कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। दे ऑर्गन्स आर नॉस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रॉन्ची, लंग्स एंड डायफ्राम। इनके बारे में हम कंप्लीटली डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर में। रेस्पिरेशन कैन बी एरोबिक एंड अनएरोबिक, दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। यीस्ट इज यूज टू प्रोड्यूस बियर एंड वाइन। यीस्ट का यूज कहाँ पे आता है? बियर एंड वाइन बनाने में। नेक्स्ट इज डिफरेंट एनिमल्स पजेसेस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर रेस्पिरेशन। सारे जितने भी एनिमल्स हैं, सबकी डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन में यूज में आते हैं। एंड लास्ट इज प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स में जो गैसेस के एक्सचेंज में तीन ऑर्गन है जो काम में आते हैं। स्टोमेटा होता है लीव्स की सरफेस पर जो होल्स होते हैं, लेंटाइसल्स होते हैं स्टेम में, एंड रूट हेयर सेल्स रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो तीनों मिलकर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। नाउ न्यू वर्ड्स पर आते हैं। फर्स्ट इज रेस्पिरेशन टॉपिक, जहां से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। एक प्रोसेस है ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने की, यूटिलाइजिंग इट, उसे यूज करने की, किसके लिए? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे एनर्जी रिलीज हो, रिलीजिंग एनर्जी एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो भी वेस्टेज है उसको बॉडी से बाहर निकालना। दैट कंप्लीट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। सेकेंड इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेकिंग अप होता है ग्लूकोज का, लेकिन जो बनता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और सबसे मेन पॉइंट, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। वेर इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जहां पर ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन होता है इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल, नॉट वाटर। वाटर में होता है वाटर बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, एंड एल्कोहल बनता है अन एरोबिक रेस्पिरेशन में। इनहेलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, एयर को अंदर लेना बॉडी में, दैट इज इनहेलेशन। एंड एक्सहेलेशन इज प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर। ब्रीथिंग रेट क्या है? नंबर ऑफ ब्रीथ्स है टेकन इन वन मिनट। वन मिनट में आप कितना ब्रीथ कर रहे हैं, उसका नंबर अगर आप काउंट करेंगे, और एक ब्रीथ में एक इनहेल एंड एक एक्सहेल आता है, तो वो काउंट होगा वन में। तो ब्रीथिंग रेट जितना आप एक मिनट में नंबर ऑफ ब्रीथ्स ले रहे हैं। लेंटाइसल्स क्या है? ऑर्गन सिस्टम है, प्रेजेंट है स्टेम ऑफ द प्लांट्स में। ब्रांचेस क्या है? ब्रांच है ट्रेकिया की, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है लंग से। ब्रॉन्चियोल्स क्या है? ब्रांच है ब्रॉन्चेस की, जो लंग्स के अंदर होती है। एल्वियोली सेल्स ऑफ लंग्स कनेक्टेड टू ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स से लंग्स की सेल कनेक्ट होती है थ्रू द एल्वियोली। डायफ्राम क्या है? लार्ज मस्क्यूलर शीट दैट एक्ट्स एज फ्लोर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फ्लोर बोला जाता है डायफ्राम को, क्योंकि एक बहुत बड़ी शीट टाइप होती है। स्पायरेकल्स क्या है? एयर होल्स हैं प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स की बॉडी पर एयर होल्स जो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्पायरेकल्स, जिससे इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो थ्रू द स्पायरेकल्स होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज विच रेस्पिरेशन मेथड रिलीज मोर एनर्जी। एरोबिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में मोर एनर्जी रिलीज होती है, तो दैट मीन आर आंसर इज ए एरोबिक।
सेकेंड इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन प्लांट्स. अभी हमने रीड एंड रिकॉल का लास्ट पॉइंट पढ़ा है, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड रूट हेयर सेल्स, तीन होते हैं. क्लोरोफिल नहीं होता है तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल. विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग इज कॉल्ड विंड पाइप. विंड पाइप किसे बोलते हैं? ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं. फोर्थ इज विच ऑफ दीज ऑर्गन्स कंट्रोल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स. एक्सपेंशन फूलना सिकुड़ना कहाँ होता है? डायफ्राम पर, शीट होती है. विच ऑफ दीज रेस्पायर्स थ्रू मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन. स्किन के थ्रू कौन रेस्पायर करता है? अर्थवॉर्म जो होती है वो स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है. फिल इन द ब्लैंक्स पर आते हैं. फर्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच गैसेज आर एक्सचेंज बाय द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो गैसेज के एक्सचेंज होने का जो कंप्लीट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. दिस इज अबाउट द चैप्टर. सेकेंड इज स्टोमेटा, ब्लैंक एंड रूट हेयर सेल्स, तीन बार बता चुकी हूं. लास्ट पॉइंट है रीड एंड रिकॉल का, लेंटिसेल्स जो स्टेम में होता है. थर्ड इज इन एरोबिक, सॉरी इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन ब्लैंक इज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ वाटर. वाटर की जगह क्या बनता है? एनएरोबिक में एल्कोहल बनता है. फोर्थ इज इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू ब्लैंक. इंसेक्ट्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? तो स्पाइरेकल्स के थ्रू इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं जो कि एयर होल्स होते हैं स्किन पर. इसके बाद फिफ्थ इज फ्रॉग्स कैन एक्सचेंज गैसेज बाई. फ्रॉग्स का जो एक्सचेंज होता है गैसेज का वो किस किस ऑर्गन से होता है? तो बाय द लंग्स होता है जब वो लैंड पर होते हैं, और जब वो वाटर में होते हैं तो गिल्स या स्किन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों के थ्रू हो सकता है. मैच द कॉलम्स हम करेंगे. फर्स्ट इज ह्यूमन बींग्स. तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पार्ट के लिए पूछा है कि कौन कौन है जो किस किस से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. तो ह्यूमन बींग्स में लंग्स के थ्रू होता है, फिश में गिल्स के थ्रू होता है, प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू होता है, पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं लीफ पर, फ्रॉग में स्किन एंड लंग्स दोनों से हो सकता है. अमीबा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल मेम्ब्रेन्स होता है. सेल मेम्ब्रेन होता है सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. एंड कॉकरोच में एयर होल्स होते हैं, या फिर एयर होल्स की जगह स्पाइरेकल्स भी आ सकता है. तो कॉकरोच में स्पाइरेकल्स के थ्रू होता है जितने भी इंसेक्ट्स हैं वहां पर. इसके बाद आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं. फर्स्ट इज रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग आर सेम. रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों सेम प्रोसेस है, दैट इज फॉल्स. डिफरेंस भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में. सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैन ऑकर विदाउट ऑक्सीजन. सेल्यूलर जो रेस्पिरेशन है वो बिना ऑक्सीजन के हो सकता है क्या? फॉल्स है. थर्ड इज एनर्जी इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज ही नहीं होती है, तो ये फॉल्स है. एनर्जी रिलीज होती है लेकिन कम होती है. प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड फ्लावर बर्ड्स. फ्लावर बर्ड्स इसमें यहां गलत दे रखा है, यहां पर रूट हेयर सेल्स आएगा, दैट इज आई फॉल्स है. When we exercise, our breathing rate increases. जब हम exercise करते हैं तो हमारी breathing rate बढ़ जाती है, that is true. Sixth is amoeba exchange gases through air holes. Amoeba air holes के through gases का exchange करता है, that is false, क्योंकि amoeba unicellular organism है जो कि हम already पढ़ चुके हैं. Through the cell membrane exchange करता है gases को. इसके बाद आते हैं ई पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस. एक सेंटेंस में आंसर देना है. डिफाइन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है? और सेकंड इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक. दोनों ही आपको न्यू वर्ड्स में मिल जाएंगे. रेस्पिरेशन फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, यूटिलाइजिंग इट, रिलीजिंग एनर्जी, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. एरोबिक एंड एनएरोबिक सेम आपको तीनों पॉइंट, फर्स्ट में फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड में सेकंड एंड थर्ड पॉइंट एरोबिक एंड एनएरोबिक न्यू वर्ड्स में. इसके बाद है थर्ड इज व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रीथिंग. ब्रीथिंग से आप क्या समझते हैं? तो ब्रीथिंग है पेज नंबर 96 पर. ब्रीथिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को बोलते हैं. रेस्पिरेशन दो टाइप का बताया था, तो एक्सटर्नल इंटरनल. तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है दैट इज ब्रीथिंग. तो यहां से एंड यहां तक. इसके बाद फोर्थ इज व्हाट इज अ डायफ्राग्म. डायफ्राग्म क्या होता है? पेज नंबर 98 पर है इसका आंसर. दैट इज फ्रॉम हेयर यहां तक. इसके बाद फिफ्थ इज हाउ डू द फिश रेस्पायर. फिश रेस्पिरेशन कैसे करती है?
तो थ्रो द क्यूज करती है, पेज नंबर 101 पर आंसर है, यहां से एंड यहां तक इन वॉटर। इसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। एफ का फर्स्ट, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवर्म, डॉग, फिश एंड कॉकरोच। ये किस किस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? तो अर्थवर्म जो होती है वो थ्रू द स्किन करती है, डॉग में लंग्स आएगा, फिश में गिल्स आएगा एंड कॉकरोच में स्पाइरेकल्स आएगा। सेकेंड इज, हाउ डू प्लांट्स रेस्पायर थ्रू रूट्स, रूट्स के थ्रू प्लांट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे करते हैं? पेज नंबर 101 पर है, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर थ्रू लेंटिसेल्स प्रेजेंट ऑन देयर स्टेम, यहां तक। एफ का थर्ड, व्हाई डू वी स्नीज, स्नीज हम क्यों करते हैं? पेज नंबर 98 पर है एंड फोर्थ भी पेज नंबर 98 पर ही है, व्हाट इज द रोल ऑफ एल्वियोली इन द रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स, दोनों पेज नंबर 98 पर। तो पेज नंबर 98 पर व्हाई डू वी स्नीज पूरा आंसर है, कंप्लीट आप लिखेंगे। ये है थर्ड का एंड फोर्थ का, जिसमें एल्वियोली का पूछा है। तो लंग्स आर मेड अप ऑफ 300 मिलियन सेल्स एल्वियोली, कंप्लीट लिखेंगे लंग्स वाला टॉपिक फोर्थ में। इसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू फ्रॉग्स रेस्पायर थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स, फ्रॉग कैसे रेस्पायर करता है थ्रू द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो पेज नंबर 101 पर है इसका आंसर, जहां पर हमने फ्रॉग का पूरा पढ़ा है, जिसमें हम यहां से एंड यहां तक, ये कंप्लीट फ्रॉग का है। तो ये हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम ओनली एक ही करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो आपको करना है मैं बता देती हूँ क्या करना है। पेज नंबर 99 पर जब आप आएंगे तो सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप एरोबिक रेस्पिरेशन का कंप्लीट लिखेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या क्या होता है, पूरा कंप्लीट। फिर आप आएंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर, इसमें भी आप स्टार्टिंग से लेके एंड यहां तक। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है यहां पे, प्लस एल्कोहल प्लस एनर्जी, ये नहीं लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां लिखेंगे। और एरोबिक में भी इसी तरह से मिस्टेक है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहां पर ही ओनली एनर्जी है। कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड कंप्लीट एनएरोबिक रेस्पिरेशन यहां तक। तो ये एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड, फर्मेंटेशन इसी के नीचे है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ भी कोई जरूरी नहीं है, आप फर्स्ट ही कर सकते हैं लॉन्ग आंसर में। इसके बाद आते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पर। या तो आप ये डायग्राम यहां से बनाएंगे एंड इसमें जितने भी ब्लैंक दिए हुए हैं ये फिल करने हैं, या फिर पेज नंबर 97 पर सेम डायग्राम है जो आप अपनी कॉपी में, या चार्ट पेपर आप कहीं भी बना सकते हैं विद द कलर। तो आपको ये पेज नंबर 97 पर ये डायग्राम है जो आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर, तो यहां पर हमारे लिए एक पजल है, वर्ड ग्रिड है। द फॉलोइंग वर्ड ग्रिड हैज वर्ड रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसके रिलेटेड वर्ड हैं इसमें। फाइंड देम आउट विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, नीचे क्लू दिए हुए हैं। यू मे सर्च द वर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप सर्च कर सकते हैं, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, एंड डायगोनल, इस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हैं। वर्ड्स क्या क्या है? फर्स्ट इज एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की एयर ट्यूब्स। बी स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी, टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ लीफ, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, द ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल, एंड एन एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। तो फोर एंड थ्री, सेवन, टोटल सेवन वर्ड्स आपको मिलेंगे जो आपको इस तरीके से लगाने हैं, एंड ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो ऊपर से नीचे मिलेगा आपको, या नीचे से ऊपर मिलेगा आपको, या फिर इस तरीके से भी मिल सकता है डायगोनल, इस तरीके से। तो आपको ये मार्क करने हैं एंड आपको ये होमवर्क, ये वाला आप कॉपी में नहीं करेंगे, ये आप बुक में ही करना है, एंड ये जो डायग्राम है ये आपको कॉपी में बनाना है, एंड एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है कॉपी में।